हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। आज हम बात करते हैं सी चैनर किस तरीके से लगाई जाती है। ये सी चैनर का डिज़ाइन है, कुछ इस तरीके का होता है और ये हमारी साउल कंपनी की फ़िटिंग है और ये इसमें रेडू दिए गए हैं और ये पत्ती है जो फ्रेश डोर पर लगाई जाती है और ये गाइड है जो हम फ्लोर पर लगाएंगे इसको और ये रबड़ का ब्रैकेट है जो पल्ला रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी चाबी भी दी गई है एडजस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम इसमें सुराख करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेस जहाँ पे हमें ये चैनर कसनी है। आपको कुछ इस तरीके का बेस बना लेना है। इसकी जो नीचे की साइड है इस पे आपकी चैनर कसी जाएगी और जैसे आपका पल्ला 3 फुट है तो आपको ये बेस कम से कम 6.5 फुट का बनाना पड़ेगा और 6.5 फुट की ही चैनर लगानी पड़ेगी इसमें, ताकि आपको चैनल लगाने में कोई परेशानी ना हो। 6 फुट की लेंथ में कम से कम 5-6 सुराख ज़रूर करने चाहिए ताकि ये लटके ना, और सुराख करने के बाद जो एलुमिनियम बाहर को निकल के आ जाता है उस पर रेती मार ली जाती है या फिर उस पर अपना पथरी लगा दो। और ये इंस्टॉलेशन इस पर हमने कर दिए, इस तरीके से आपको लगा देना है उस पर आगे की तरफ मिला के। अगर आप इसको पीछे की तरफ मिला के लगाते हो तो आपका पल्ला इस पर घिसता हुआ जाएगा। और ये हमने रेडू कस रखा है इसमें और ये चाल का पेस दे रखा है इसमें, आपको इस तरीके से रेडू को कस लेना है। इस तरीके से कुछ दिखाई देता है और अब हम इस पर पत्ती लगा के दिखाते हैं। ऊपर से जो पत्ती लगेगी इसमें पहले से कस लेते हैं, ऊपर लगाने से पहले कसा जाएगा ये। और ये पत्ती है जो आपकी फ्लश डोर पर लगेगी, पहले हम इसको लगा लेते हैं। आपको इस तरीके से रेडी को डाल लेना है और इससे आपका पल्ले का साइज़ मिल जाएगा। अब हम इससे नाप लेते हैं ऊपर से नीचे इसका हाइट क्या है। इसकी जो हाइट है 80 इंची की हाइट है इसकी। आप इसको दो सूत कम करके काट दीजिए। और जब ये फट्टी लगाई जाएगी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, दोनों सिरे से आपको 80-80 इंची ही लेनी पड़ेगी। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो गया तो वो आपका पल्ला जो है नीचे जाके अटकेगा, इसीलिए आप अगर 90 इंची का चला रहे हो तो 90-90 ले लो। ये गाइड है जो नीचे लगाई जाएगी, साइड से आप इसको 1 इंची और पीछे की साइड से 2 सूट छोड़ के आप इसको लगा दीजिए। यहाँ पे इस पर पल्ला चलेगा और ये झिरी इस तरीके से दी जाएगी जैसे इसमें दी गई है। आप चाहे वैसे भी रूटर से भी झिरी दे सकते हैं और ये इसमें फट्टी कटिंग करके झिरी दे रखी है इस तरीके से। आप इस तरीके से भी झिरी इसमें बना सकते हो पल्ले में। अब हम इस रेडू को कस लेते हैं। ऊपर की साइड रेडू की जो पत्ती थी वो इस पर कसी जाएगी। आपको पहले ये आगे की साइड से गलाना पड़ेगा ताकि ये फेस हो जाए, पत्ती इस पर पूरी प्रॉपर बैठ जाएगी। आपको इस तरीके से गला लेना है। ये देखिए अब ये पत्ती जो है बिल्कुल इसके पल्ले के फेस आ गई है। अब इसमें आप फेस कर लीजिए पत्ती में और ये पत्ती आपके रेडू पे लग जाएगी। तो इस तरीके से पत्ती आप दोनों साइडों में कस लीजिए। ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड है हमारी पल्ले की। तो एक पत्ती हमने लगा ली है, इसी तरीके से आपको दूसरी पत्ती भी लगा देनी है, वो भी इसी तरीके से गलाई जाएगी। इसी तरीके से जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से आपको लगा देना है। और ये दूसरा रेडू भी कस ले रहे हैं हम इसमें। दूसरा रेडू जो है इस तरीके से वो भी ऐसा ही कसा जाएगा। दोनों एक ही तरह से कसे जाते हैं, दोनों की चाल एक जैसी देखिए। आपको इस तरीके से कस लेना है और ये आपकी पत्ती निकल जाएगी और चैनल में लग जाएगी और पल्ला आपको ले जाके यहाँ ला के इस पर पत्ती को फंसा देना है दोनों के बीच में। फंसाने के बाद आपका पल्ला कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इससे आप देख भी सकते हो कि इसका फेस आ रहा है नहीं आ रहा। इसका जो फेस बिल्कुल फेस आ रहा है इसके। अगर आप चाहो तो इसको आगे भी ला सकते हैं और ये चाल का ऑप्शन है जो मैंने पहले ही बताया था आपको, और फिटिंग के साथ इसकी चाबी भी आती है।
ये चाबी है इसकी चाल के लिए, आपका जैसे पल्ला कुंज में आ रहा है तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। और जितना ये गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे करके आपको वो गाइड लगा देनी है नीचे। आप नीचे इसको गाइड को लगा दीजिए, दोनों के बीच में दो सूत की झिरी ज़रूरी होती है। और ये साइड का पेच होता है जो फाइनल होने के बाद कस दिया जाता है। और ये ब्रैकेट होता है जहाँ पे आपको पल्ला रोकना होता है। आपको इस तरीके से आपको पत्ती रखनी पड़ेगी और फिर ये ब्रैकेट होगा इसका। आपको चैनल में ये कसना है, मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ कसा जाएगा। इसे आप इस तरीके से यहाँ पे कस लीजिए। पहले आपको ये देखना पड़ेगा, आप इसको फेस रखना चाहते हो तो फेस भी रख सकते हो, और आगे रखना चाहते हो तो आगे भी रख सकते हो। इसी तरीके से इस ब्रैकेट को कस लेना है, ये पीछे की साइड और ये आगे की साइड भी हमने कस रखा है इसको। यहाँ पे आपका पल्ला रुक जाएगा। और इसकी आपकी गाइड भी देखनी है, कभी ऐसा ना हो कि आप इसको और ज़्यादा लगा दो गाइड से बाहर आपका पल्ला चला जाए। तो इसलिए दोनों तरीके से आपको ये चेक कर लेना है। अभी पल्ला आपका फाइनल हो चुका है। बस इसमें एक चीज़ नोटिस करी जाती है, एक चीज़ बारीकी होती है इसमें, बस ये पत्ती जो लगाई जाती है बिल्कुल सेंटर में लगाई जाती है। थोड़ा सा भी टेढ़ापन हो जाता है तो आपकी चैनल जो है आवाज़ कर जाती है। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में।